कि बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हमें, वो उनकी जो परिभाषा हिंदू वाली है वो परिभाषा हमें नहीं चाहिए, जो नफरत फैलाती हो, जो लड़ाती हो लोगों को, समाज को बांटती हो, हम उनसे बड़े हिंदू हैं। और जहां तक भगवान की पूजा है, आप सैफई में देखाइए, हमारा जन्म तो अभी हुआ है, मान लीजिए जब कभी हुआ, हमारे मंदिर तो हमारे जन्म से पहले के हैं, नेताजी हनुमान जी की पूजा न जाने कब से करते आए हैं, तो हम है ही नहीं हिंदू, केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू है, जो पाप करे वो हिंदू। इतने लोगों को मार दिया, जिंदा मर गए, लाशें बह रही थी गंगा में, क्या हिंदू होने पर शर्म नहीं आती बीजेपी को, हिंदू दल कह रहे हैं। और बताओ, जलाया, बॉडी जली नहीं, दफना दिया गया, क्या जवाब दिया सरकार ने, इससे बड़ा झूठ सरकार नहीं बोल सकती, कहती कि उन लोगों की परंपरा ये है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं जानते जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी डेड बॉडी, लाश गंगा में नहीं बह सकती है। आपने क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं दे दिया आदेश, क्या कहते हैं, हाँ वो परंपरा थी। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और लाश जब जल नहीं थी, लकड़ी नहीं दे पाई सरकार, कहा कि हम फ्री लकड़ी देंगे, लकड़ी कहां दी इन्होंने। और जब ज्यादा बॉडी जल नहीं थी, यही जगह है बगल में जहां टीन शेड लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ होगा कि लोग शमशान में मर गए फिर घर गए, ऐसा कभी भी सरकारों में नहीं हुआ। क्या गाजियाबाद में नहीं हुआ भ्रष्टाचार, जहां पे लोग मर गए शमशान घाट में फिर घर गए और फिर आए शमशान में। ये वही दल है जिसने कब्रिस्तान और शमशान की बात की, लोग नहीं समझ पाए उस समय, आज समझ गए हैं कि कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को बहुत तगड़े से धोया है। अखिलेश यादव ने आज तक की पंचायत में कहा कि बीजेपी से बड़े हिंदू हम हैं, नेताजी भगवान हनुमान के भक्त हैं, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। अखिलेश यादव ने कहा, मेरे घर पर तो तब से मंदिर है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। डिंपल यादव हिंदू संस्कृति में मौजूद सभी पूजा पाठ करती हैं। मैं कभी धर्म का दिखावा नहीं करता। क्या जो पाप करे वो हिंदू है? केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदू होने पर। भगवान राम का मंदिर बनाने में कौन सा हिंदू घोटाला कर सकता है? कौन सा हिंदू मंदिर बनाने में भ्रष्टाचार कर सकता है? ये ऐसे बेशर्म हिंदू हैं कि कोरोना में हिंदू शवों को लकड़ी नहीं दे पाए, गंगा में लाशें बहा दी। ये कैसी हिंदू पार्टी है जो हिंदू शवों को लकड़ियां नहीं दे पाए? बीजेपी वाले झूठे हिंदू हैं। गंगा में लाशें बहाने को बीजेपी वालों ने परंपरा बता दिया। लोग शमशान में मर गए उसके बाद घर गए। कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करने वालों ने शमशान में लोगों को मार दिया। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, न सीबीआई से, न ही ईडी से। मैं बहुत पहले से इस क्लब में शामिल हूँ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत। We'll be right back.